वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता के जय भारत माता के जय भारत माता के थे निखिल भारती ना आने के कारण लड़के कम हो गए हैं। 100-150 लड़के प्लस दौड़ते थे। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, सही बात है, सब कमाने चले गए। कंपटीशन एकदम चपुआ होता था, 4:40, 4:30। हां निखिल इस समय बच्चे यही देखिए सर, यहां वहां डांस किया जाए ना तो ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जाना क्या बात है, डांस करके दिखाएंगे तो ज्यादा लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा। लेला पुदीना चलाएंगे तो ज्यादा मजा आता है। मेहनत करने वाले के कोई नहीं लाइक करता, कोई नहीं देखता, यही बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं ताजनपुर गाँव में, और ये ताजनपुर गाँव का स्टेडियम है। जैसा कि आप आपको लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, अगर इस स्टेडियम की बात करें तो बहुत अच्छा स्टेडियम नहीं है, लेकिन यहीं से कम जहां तक मुझे अनुमान है कि यहां से कम पिछले 4-5 साल में कम से कम 300-400 आर्मी में, पुलिस में, एसआई में, तमाम प्रकार के फोर्सेस में लोगों का यहाँ से नियुक्ति हुई है। यहीं पे बच्चे गांव का ग्राउंड है, तैयारी करते हैं, और अभी आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों की एक समस्या है कि जहाँ तक मुझे पता चला कि वो लोग बताते हैं कि सर हम लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, और साथ में हम लोगों का अगर एज ओवर हो जाएगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो हम उन्हीं लोगों से खास बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या मसला है और वो तैयारी कब से कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स है और वो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं। तो बने रहें आप पीजी न्यूज के साथ और मैं मिलवाता हूँ उन लोगों से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे युवाओं को अगर हम देखा जाए तो ये पुलिस फोर्स में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए ये लगातार दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आप देखिए लाइव तस्वीरें, ये लोग इधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं और हम बात करने का प्रयास करेंगे। और ज़रा एक मिनट हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे। थोड़ा सबसे पहले तो आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि भाई आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। सबसे पहले पीजी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। अगर हम बात करें इस गांव की तो मतलब आप लोग कब से दौड़ रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। हम सर 2 साल से दौड़ रहे हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार है जी। मैं 3 साल से दौड़ रहा हूँ। पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या एज है आपकी? हमारी एज है 20 साल। क्या सपना है, ड्रीम, आर्मी में जाना चाहते हैं या पुलिस में? आर्मी में। अच्छा, इंडियन आर्मी। देखिए दोस्तों, अगर कहा जाता है ना कि आर्मी में वही व्यक्ति जाता है जो कि देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे नौजवान भाई हैं, सभी से एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले पीजी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। क्या नाम बात? आशीष कुमार यादव। अच्छा आशीष कुमार यादव, जरा इधर इधर चेहरा करिए। आशीष कुमार यादव जी। आशीष जी, अगर हम बात करें तो जहाँ तक मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है कि आपका कई बार सिलेक्शन हुआ है, रुक जाता है, कैसे क्या प्रॉब्लम होती है? सर रेस क्वालिफाई कर जाते हैं, मेडिकल में अनफिट हुए हैं। मेडिकल में अनफिट हो? जी। तो सही आप मेडिकल में अनफिट होते हैं या आपको कर दिया जाता है? सर अब मेडिकल करने वाले ही, अब तो जैसे प्राइवेट में अभी जाके दिखाएंगे, बोलेंगे ठीक है। हाँ। इसके बाद अब आर्मी की अलग रूल होती है, वो अलग तरीके से देखते हैं। जी। कहाँ पे अनफिट करते हैं आपको? सर शोल्डर, कंधे में, इसमें करते हैं, और आँख में। अच्छा आँख में क्या समस्या है? सर धब्बा। धब्बा 3 बार आपके साथ ऐसा हुआ? जी। आपको बता दें दोस्तों, देख रहे हैं कि इनको 3 बार अनफिट कर दिया गया है मेडिकल में। अगर हम बात करें तो जब ये प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों से मिलते हैं और अपने बारे में चेक करवाते हैं तो इन्हें फिट बताया जाता है, लेकिन आर्मी का जब आप मेडिकल होता है तो वहाँ पर इनको अनफिट करके छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से पता नहीं कितने देश के नौजवानों को दोस्तों, वो सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं, सब क्वालिफाई कर लेते हैं, दौड़ निकाल लेते हैं और तमाम प्रकार की सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अगर देश में इस प्रकार से होता रहा तो आने वाले समय में क्या हो सकता है। और मेरे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? सचिन यादव। सचिन यादव जी, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी खासी, बात कैसे दौड़ते हैं?
सर अच्छा दौड़ते हैं हम लोग। अच्छा 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 दौड़ते हैं। तो अभी आप एक आध बार गए कि नहीं रेस में? नहीं सर, अभी एक उम्र नहीं हुआ है। अच्छा अभी उम्र नहीं, नहीं हुआ, हुआ है। कितना साल है अभी? अभी 17.5 साल। अच्छा 17.5 साल, अब तो जा सकते हैं आर्मी के? यस सर। सर भर्ती ही नहीं आ रही, कहाँ से जाएंगे? जी जी, देखिए युवाओं का बस एक ही आरोप आ रहा है दोस्तों कि भर्ती नहीं आ रही है। सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जैसे सारे कार्य को कर रहे हैं, सारी सिस्टम को देख रहे हैं, वैसे आर्मी की वैकेंसी आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? यस सर आना चाहिए। आना चाहिए ना। अब हम लोग का जैसे लोग का नए एज है, अभी 17.5 साल हुए हैं, अब हम लोग का लास्ट फॉर्म पड़ा हुआ है, अभी ऑनलाइन करा के छोड़ दिए हैं जी। हम लोगों का बनारस एआरओ है जी जी जी। ऑनलाइन तो हो गया है, लेकिन अभी कुछ अपडेट नहीं आ रहा है कि रनिंग कब होगी कब नहीं होगी। अब हम लोगों का लास्ट है अब। हाँ, अगर एज ओवर हो जाएगा तो नौकरी नहीं मिल पाएगी जी, वही बात। यही बात है ना आपको? हाँ, 3 साल से दौड़ रहे हैं लगातार, भर्ती ही नहीं आ रही है। अब बताइए। हाँ भर्ती ही नहीं आ रही, पेट मेरा सूख जा रहा है दौड़ते दौड़ते, इधर दिन रात मेहनत करते करते। बताइए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं सारे स्पोर्टर्स खड़े हुए हैं, ये सब दौड़ते हैं और सब मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। इनका जज्बा है, इनका जोश है, इनका जज्बात है कि हम देश की सेवा करें। लेकिन देश की सेवा कैसे करोगे जब भर्ती ही नहीं आओगे आएगी? वही तो बात है सर, मैं दौड़ते दौड़ते इधर गिर जा रहा हूँ, चक्कर आ रहा है, तब भी अभी सुन नहीं। अभी देश में बुलडोजर खूब चल रहा है। हाँ, बुलडोजर खूब चल रहा है, अवैध जमीन को जो लोग कब्जा किए हैं उनके घर को गिराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से आप? सर योगी जी भर्ती के लिए यही कहना चाहेंगे, जल्द से जल्द भर्ती आए जी। जी दौड़ते दौड़ते हालत गंभीर है सर। बड़ी बात यह है कि जैसे रनिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे रेगुलर रनिंग करते हैं तो पढ़ने में थोड़ा ड्रीम होते कमजोर होते हैं जी जी। तो कमजोर होते हैं तो उनके लिए हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि स्पोर्ट लाइन में रनिंग करने वाले बच्चों को जगह दी जाए और उन्हें फैसिलिटी उतना दिया जाए। और इसके बाद जो जैसे रनिंग करते हैं बच्चे, उनको अलग प्रकार से कुछ न कुछ भर्ती के रूप में दिया जाए, उन्हें छूट दिया जाए। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर वाले, अब हम लोग रनिंग करते हैं, हम लोग उतना गाइड नहीं कर पाते हैं जी जी। इनका सरकार से अपील है कि जैसे हम लोग मेहनत इतना कर देते हैं कि उतना हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं, सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को छूट दिया जी जी यही में ना जी। लेकिन जैसे कि सरकार एनसीसी वगैरह कराती है तो जहाँ पे आप एनसीसी अगर किए रहते हैं तब वहाँ पे छूट मिलती है, उसमें भी घूस लगता है। जो बड़े हैं वही पाते हैं, जो छोटे हैं नहीं पाते हैं। एनसीसी नहीं पाते हैं? नहीं पाते। आपने ट्राई किया एनसीसी के लिए? ट्राई किया। कहाँ से ट्राई किए थे? हम रानीगंज से ट्राई किए थे। अच्छा, प्रतापगढ़ जिले से। जी जी जी। हुआ नहीं? जी नहीं। आपको बता दे दोस्तों कि ये भी एक आरोप आ रहा है युवाओं का कि एनसीसी में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो लोग पैसा देते हैं कॉलेज में। तो अगर इस प्रकार की कमियां हैं शिक्षा जगत से लेके और हर जगह पर, तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि युवाओं को देखा जाए। ये भी आज मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनका सपना है कि मैं आर्मी में जाकर देश का नाम रोशन करूँ। लेकिन कैसे कर सकते हैं जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, तो वो कैसे कर सकते हैं? और क्या कहना चाहेंगे? और हमारे साथ एक भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा हितेश कुमार यादव नाम है जी। सर मैं स्पोर्ट की तैयारी करता हूँ, मैराथन 10 किलोमीटर। किस क्लास में है? सर मेरा 11th है इस बार। अच्छा अच्छा, तो अभी एक आध बार आप खेले कि नहीं? नहीं, मैं 4 गेम खेल चुका हूँ जिसमें से 2 हारा हूँ 2 जीता हूँ। अच्छा, अच्छा। अभी तैयारी कर रहा हूँ इंदिरा मैराथन के लिए जी, जी, जी। नवंबर में है रेस। इंदिरा मैराथन कहाँ होगा ये? सर ये इलाहाबाद में होता है। अच्छा, जी अच्छा। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम से शुरू होता है। और तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी आर्मी में सपना है जाने का, तो स्पोर्ट्स से सोच रहे हैं जाने के लिए। लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खेल कूद के मामले में एकदम लापरवाह है, कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलती है। हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को भी कुछ हाँ कुछ किया जाए जी। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए इन्होंने बताया जो एकदम सही बात है। आपको बता दे दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट ग्रामीण के जो लोग हैं अगर उनके ऊपर ध्यान देने लगे तो हो सकता है कि हमें जहाँ तक लगता है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगला वीडियो जो आप मेरा देखे थे उसमें आपने राज सिंह को देखे, राज सिंह के बारे में कितना मेडल जीता है बंदा, लेकिन आज भी दर दर भटक रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए, गांव से जुड़ी खबरों को जानने के लिए, जमीनी हकीकत को समझने के लिए लगातार आप पीजी न्यूज से जुड़े रहे। ग्राउंड पे 100-100 लड़के दौड़ते थे, निखिल भर्ती ना आने के कारण लड़के कम हो गए हैं। 100-100, 150 लड़के प्लस दौड़ते थे। क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है, सही बात है, सब कमाने चले गए थी। कंपटीशन एकदम चपुआ होता था, 4:40, 4:30। हाँ निकले इस समय बच्चे यही देखिए 10-12-15। अगर आर्मी की रेस किया जाए जो 1600 मीटर लोग दौड़ते हैं,
वो कितने सेकंड में मार दिया जाए, कितने मिनट में? 4:35 में अगर मार दिया जाए तो रेस निकल जाती है। हाँ, रेस निकल जाती है। 4:35 हाँ, यहाँ कम्पिटिशन बहुत यारो अपना ही भाई बनारस है ही। अच्छा, सबसे तगड़ी रेस वहीं पर होती ही है पूरा ऑल इंडिया में। जी सर, और क्या कहना चाहोगे? लास्ट सवाल है आप लोगों से, सब लोग बोल सकते हैं। सर, केरा के छिलके हो गए हैं, जैसा मन को खाकर फेंक दो, कोई सरकार इस पे इतना लापरवाही है, कुछ कह ही नहीं रहे। उनको तो बस अपना काम हो गया, उनका तो चुनाव हो गया, हम लोग इधर उधर भटके कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, गरीब भर के कैसे हैं, उनका तो अपना काम हो गया। हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ डांस किया जाए ना तो ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जाना क्या बात है। डांस करके दिखाएंगे तो ज्यादा लाइक होगा, सब्सक्राइब होगा। लेला पुदीना चलाएंगे तो ज्यादा मजा आता है। मेहनत करने वाले के कोई नहीं लाइक करता, कोई नहीं देखता, यही बात है सर। क्या नाम है आपका? सर आशीष कुमार। आशीष कुमार ने तो पूरा वीडियो में एकदम जान पैदा कर दिया, सही कर रहा है बंदा आशीष कुमार, एकदम सही बात कर रहे हैं। अभी अगर पुदीना ले लो गाना चलने लगता है तो लोग उसको इतना जबरदस्त शेयर करते हैं। आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन नौजवानों को आप हाईलाइट करिए, देश के लिए नाम रोशन करें। और एक भाई साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करना। क्या नाम है आपका? रितेश यादव। तो कब से आप तैयारी कर रहे हैं? बस 5 महीने हुए। 5 महीने एज हो गई है आपकी? यस। क्या करना चाहते हैं? बस आर्मी की तैयारी, देश की सेवा करना चाहते हैं? यस सर, देश की सेवा करना। जी, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, लगातार जितने भी नौजवान इस गांव के हैं सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच पाए और इन भाइयों के लिए कुछ हो सके। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए लगातार आप पीजी न्यूज़ से जुड़े रहें। मैं प्रवीण नाविक, कैमरा पर्सन सूरज के साथ, जय हिंद जय भारत।